ये पहला बड़ा हमला है नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार को देखकर अगर इंडिया गठबंधन के लिए कितनी बड़ी चोट है, इस पर छोटी दो दो लाइनों का कमेंट में झा जी बोल लीजिए, बोल लीजिए। आरजेडी ने बहुत बड़ा अटैक किया है और अब तो सीधा अटैक मल्लिकार्जुन खड़गे का है, ये आया राम गया राम वाले बहुत लोग हैं। देखिए मैं आपसे आग्रह करूंगा अंजना जी, लगातार हमारे नेता हमारी पार्टी पर अटैक हो रहा है, मुझे बोलने का मौका दीजिए। ये कौन लोग नौकरी नौकरी पर चिल्ला रहे हैं? ये वही लोग है ना जिन पर इतना बड़ा आरोप है कि नौकरी के बदले, नौकरी के एवज में जमीन लेते हैं। ये वही लोग है ना जो लगातार अपनी पार्टी के नेताओं से हमारे नेता के खिलाफ इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां लगातार करवा रहे थे, और ये सोचते हैं कि हम चुप रहेंगे, हम फैसला नहीं करेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग जिनसे अपना कुनबा नहीं संभलता, जहां जहां राहुल गांधी जी कदम रखते हैं वहां वहां इंडिया अलायंस समाप्त हो जाता है। इस इंडिया अलायंस के सूत्रधार हमारे नेता रहे और आपने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। देखिए जिस तरह का अहंकार इन लोगों का है और जिस तरह से लगातार ये लोग बयान दे रहे हैं हमारे नेता हमारी पार्टी के खिलाफ, आप लिख लीजिए कि हमारे नेता के निकलने के बाद पूरी तरीके से इंडिया अलायंस समाप्त हो चुका है, और इसी तरह से विभिन्न प्रदेशों में ये कहीं भी न लड़ पाएंगे ठीक से न जीत पाएंगे। जो नूरा कुछ दिन के बीच चल रही है वो ऐसी ही होगी। और राष्ट्रीय जनता दल ये आपको बता देते हैं, बीजेपी के प्रभारी हैं जाजी, रुके रुके, नीतीश के इस्तीफे पर बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, विधायक दल की बैठक हो रही है, क्योंकि देखिए अब सीक्वेंस में सब कुछ बीजेपी भी कर रही है। वो ये कह रहे हैं, मतलब उनका कम से कम ये दिखाने की कोशिश है कि नीतीश बाबू पहले इस्तीफा दे चुके हैं, उसके बाद समर्थन मांग रहे हैं, फिर हम समर्थन की चिट्ठी देंगे। नीतीश के इस्तीफे पर बिहार बीजेपी प्रभारी का बयान है, वो बता रहे हैं विधायक दल की बैठक, आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। यानी इसको नेचुरल कॉन्सिक्वेंस वन आफ्टर दी अदर दिखाने की कोशिश है। जल्दी हिमांशु के पास जल्दी से चलते हैं। हिमांशु, संजय झा एक बहुत बड़ी कड़ी है इस दोस्ती में, अरुण जेटली के बहुत करीबी हुआ करते थे, मंत्री हैं नीतीश सरकार में, क्या हो रहा है वहां पर इस वक्त? देखिए बिल्कुल, संजय झा बहुत ही करीबी हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनके मधुर रिश्ते भी रहे हैं, वो खुद भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, और उसके बाद वो जेडीयू में गए। जेडीयू में जब 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का एक बार फिर से गठबंधन हुआ था, तब संजय झा ने बड़ी भूमिका निभाई थी। आप याद कीजिए 2022 में जब आरजेडी के साथ जो है गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, तो ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पांच लोग हैं जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी 2017 में गठबंधन को लेकर, उनमें से एक मंत्री यहीं बैठे हुए हैं। इशारा संजय झा पे था, और संजय झा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर आ चुके हैं, अंदर विधायक दल की बैठक चल रही है, और संजय झा यहाँ निमंत्रण देने आए हैं कि नीतीश कुमार ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है, आप समर्थन दीजिए, और जो है समर्थन मांगने भी आए आपसे, कुछ देर में उनको समर्थन पत्र यहाँ से दिया जाएगा, और उनके साथ ही जो है सभी विधायक जो है यहाँ से मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। लेकिन एक चीज है अंजना, नीतीश कुमार का जो नया पोस्टर लगाया है ना, नीतीश सबके हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का है, मतलब अभी भी यही है कि हम सबके हैं। कल हो सकता है कि दोबारा वो आरजेडी चले जाएं और ये पोस्टर रेलेवेंट ही रह जाए, शशि बताइए, और इसीलिए इसकी ये व्याख्या की जा सकती है उनके आचरण को देखते हुए। बिल्कुल, देखिए अंजना एक बड़ी खबर और है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उसकी तरफ से भी समर्थन का पत्र दे दिया गया है। हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर सरन जी हमारे साथ। श्याम जी, आप लोगों ने क्या फैसला किया है, क्या पत्र समर्थन का दिया गया है? नहीं देखिए, हम लोगों ने तो पहले ही कहा कि हमारा पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी को समर्थन है, प्रधानमंत्री जी के हर निर्णय के साथ हम एनडीए के एक। मैं ये पूछ रहा हूँ कि नीतीश कुमार को समर्थन वाला पत्र आप लोगों ने दे दिया? बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री जी अपना हिसाब देना पड़ता है, पाई पाई का हिसाब आदर नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा। कल तक जो आदर नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे मध्य प्रदेश के चुनाव में महिलाओं का अपमान और क्या क्या नहीं कहा, और आज बीजेपी को भी जवाब देना पड़ेगा कि सत्ता के लिए जो भूख है वो दिख रहा है। एक अयोध्या में भगवान राम आए हैं, विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी और उप नेता विजय सिन्हा जी, विजय सिन्हा जी जो है जो नेता प्रतिपक्ष है वो विधायक दल के उपनेता, और सम्राट चौधरी जो है विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। अंजना अंजना अंजना, विधायक दल की बैठक में बैठक हो गई, हमारे शानवा जी चौधरी और विजय सिन्हा जी उपनेता, शानवा जी सम्राट और दोनों लोग उपनेता, तो उप मुख्यमंत्री कौन कौन होंगे सर? अब वो तय होगा, लेकिन अभी विधायक दल की बैठक हो, लेकिन शानवा जी आप लोग मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, सारे विधायक बस में बैठ के जा रहे हैं।
देखिए बस जो है यहाँ लगा दी गई है और ये सभी विधायक जो है यहाँ से शाहनवाज हुसैन जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, पूर्व में मंत्री, केंद्र सरकार बिहार में रहे हैं और तमाम नेता जो है वो यहाँ अब विधायक बाहर आने लग गए हैं और यहाँ से मुख्यमंत्री आवास जाएंगे सभी लोग और विधायक दल की बैठक के अंदर जो है नेता जो है वो सम्राट चौधरी और उप नेता जो है विजय सिन्हा को चुना गया है जो नेता प्रतिपक्ष है, यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी एक नई लाइन खींचने जा रही है, नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से गठबंधन होगा, ये जानकारी शाहनवाज हुसैन ने दी है। यहाँ पर आप देखिए कि सारे विधायक यहाँ पे पहुंचने शुरू हो गए, रेणु देवी हैं, तारकेश्वर सिंह हैं। तारकेश्वर जी, सर क्या हाल? सर बढ़िया। सर विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी और उपनेता विजय सिन्हा। नहीं, चलिए ये पार्टी ने एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया और हम सब भाजपा विधायक दल उनके नेतृत्व में आगामी जो हमारी लोकसभा का चुनाव और कई शेष जो वर्ष बचे हैं बिहार में सरकार के वो बेहतर ढंग से चले, ये सब हम सब मिलकर प्रयास करें। नीतीश कुमार अब नेता होंगे एनडीए के विधायक दल के तौर पर, वो एनडीए विधायक दल के नेता। आप लोग अब मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं जी? हाँ, समर्थन करने के लिए। जी हाँ।